गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। अभी सुबह के 9:20 ऐसा ही कुछ देखा मैंने, 9:20 या 9:30। तो देखो धूप नहीं है और ये आसमान देखो कितना सुंदर लग रहा है। धूप निकलेगा थोड़ी देर बाद लग रहा है, अभी कब निकलेगा पता नहीं। कल रात को मैसेज आया हमारे कॉलोनी में, मतलब हमारे सोसाइटी में 14 लोगों का कोरोना है। 27 दिसंबर को दिल्ली आने से पहले तब देखा था 3, उसके बाद 1, 4, कल मैसेज आया 14 एक्टिव केसेस है हमारे इस सोसाइटी में। वो बिंदु आ रही है काम करने के लिए, वो 2 या 3 घर काम करती है। तो मैंने उनको बोला कि अब पता करो उन घर में किसी का क्या है, क्योंकि पहले ना कोरोना होता था तो फ्लैट नंबर दे देते थे कौन सा घर में है, लेकिन अभी वो नहीं बोलते, फ्लैट नंबर नंबर नहीं देते, सिर्फ बोलते हैं हमारे कॉलोनी में हमारे सोसाइटी में इतने लोगों का है, इतने लोगों पॉजिटिव हो गया, इतने लोगों तो आप सावधान रहिए, सब यही बोल रहे हैं। तो फ्लैट नंबर देते तो वो सावधान हो जाते किस घर में है, तो जो काम करने आते हैं वो भी सावधान हो जाते ना, क्योंकि वो लोग तो मिलते हैं। तो मैं बिंदु को बोला वही, तो बिंदु बोला दीदी मैं तो किसी के साथ बात भी नहीं करती, सीधा आती हूँ मेरा काम करके घर जाती हूँ। तो मैंने बोला वही बोला कि सुबह आप जब काम करके जाते हो तब जाके अपने पूरे कपड़े धो के नहा लेना, ये इससे घर से काम करके जाते हो उसके बाद नहाना जरूरी है, सारे कपड़े धो देना जो भी पहन के आते हो और नहा लेना। बोल हाँ दीदी वही करती हूँ। फर्स्ट वो मेरे घर में आते हैं फर्स्ट, उसके बाद एक दो घर और है वहाँ पे जाते हैं। आज ये फिश फ्राई करेंगे, दाल बना हुआ है अभी 4 दिन होगा तो ये फिश फ्राई करेंगे, राइस बनाएंगे, आलू के भरते बनाएंगे और आदित्य के लिए एक ऑमलेट बना देंगे। ये डाल था छोटे छोटे पॉट में लगा हुआ था ना, यही सब बड़े पॉट में ये तीनों लगा दिया 2 दिन पहले ही। सारे कपड़े मैंने यहाँ पे सुखाने दे दिया ऐसे करके, और ऐसे ना कपड़े में इधर भी लगा देते हैं यहाँ पे हर कपड़े में, ताकि ये नीचे ना गिरे, ऐसे दूसरों को क्यों परेशान करना, नीचे गिरेगा तो जाके फिर मांगना भी पड़ेगा ना कपड़े, तो इसलिए मैंने ऐसे क्लिप लगा के देखती हूँ हर कपड़े में, तो नीचे नहीं गिरता। और कपड़े उपड़े सुखाने के बाद दूध गर्म भी हो गया, दिया को बताया दूध ले लेना याद करके, ये लोग दूध नहीं लेते, मैं नहीं दूँ तो ये दूध नहीं देते। इतने दिन महीनों से नहीं थी फिर दूध पिया ही नहीं, पिया था ठीक है ना। मैं जा रही हूँ बिग बाजार, पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, इसलिए आटा चारा चावल ये सब लाना तो है, अंडा और क्या क्या देखते हैं
तो वो सब लेके आते हैं। और ऐसे भी आज 4-5 दिन का दाल बना के रखे हो, ये लोग तो 4-5 दिन का दाल आराम से खा लेते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रेडी हो गया, मैं विद्वजा से होके आती हूँ, यही वाला पहन के जा रही हूँ क्योंकि ये धोना है आके, बाहर का कपड़े तो धोना है ना, तो इसीलिए जो घर में पहने थे उसको पहन के जा रही हूँ, आके सारे धो देंगे। तो फ्रेंड्स हमें जाना है इसी मॉल में, यहाँ पे है बिग बाजार, ये जो मॉल है बसंत स्क्वायर मॉल। कुछ ले लिया, अभी रखना भी तो है, अब हाउसकीपिंग स्टाफ को हटा दिया, तो हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं है तो मुझे ही रखना है, तो इसलिए मैंने आटा नहीं लिया, 10 किलो आटा मैं उठा नहीं सकती, 5-6 राइस नहीं था तो 5-5 किलो राइस ले लिया बैग। बना लेंगे आदित्य के लिए और आलू के भरते के लिए प्याज और ये जो साबुत लाल मिर्च फ्राई कर लेंगे। अभी 1:30 हो रहा है, 1:30 बज गया, तो जल्दी जल्दी ये कर लेते, आदित्य का भी क्लास हो रहा है तो उसका 2:00 खत्म हो जाएगा, मेरा जब तक ये बन जाएगा उसका क्लास खत्म हो जाएगा, फिर गर्मा गर्म राइस सब एक साथ बैठ के खा लेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है अंडा फेंट लेते हैं। फिश फ्राई भी हो गया और यहाँ पे आलू भरते के लिए प्याज और साबुत लाल मिर्च फ्राई कर लिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और ये कल का दाल है, इसको गर्म करेंगे।
गया है। बस मेरा काम दोपहर के लिए ख़त्म हो गया। अब मैं थोड़ी देर, धूप भी नहीं है कि धूप में बैठूं। बैठते हैं थोड़ी देर। और अभी सर्दी में सोती नहीं, क्योंकि सोने से ना बहुत ठंड लगता है ज़्यादा, इसलिए सर्दी में सोती नहीं। बस यहाँ बाहर थोड़ा बैठूंगी, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टीवी देख लूँगी। डिनर में बनाएंगे पालक पनीर, इसलिए यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। यहाँ पे पालक पनीर के लिए यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये है हरा धनिया। और हरा धनिया का जो स्टेम है डंडी, उसको भी चॉप कर लिया, तो इससे एक अलग सी फ्लेवर, अलग सी खुशबू मिलता है। और यहाँ पे है पनीर, 200 ग्राम पनीर है। यहाँ पे 3 टमाटर है और यहाँ पे पालक हल्का सा स्टीम करके, मतलब उबाल के इसको पेस्ट कर लिया। इससे बनेगा हमारा पालक पनीर। और थोड़ा सा हल्दी, नमक, जो भी मसाला चाहिए वो चाहिए होगा। और लास्ट में डालेंगे बटर। अदरक और लहसुन के हल्का लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे, प्याज को भी गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे, एकदम लाइट गोल्डन। प्याज देखो लाइट ब्राउन हो गया ना, बस अब इसमें डालेंगे ये टमाटर और हरी मिर्च। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अदरक लहसुन चॉप करके देना पसंद करती हूँ, क्योंकि हर बाइट के साथ जब अदरक का छोटे छोटे टुकड़े जाता है ना, और वो काफी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है, इसलिए मैं वो चॉप करके देना पसंद करती हूँ। टमाटर डाल दिया और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मेरा जो हरी मिर्च डालूंगी मैं, वो थोड़ा तीखा वाला हरी मिर्च है, इसलिए लाल मिर्च मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डाला। और टमाटर को सॉफ्ट कर देंगे। इस टाइम ही इसमें डालेंगे ये जो स्टीम धनिया का, जो स्टीम करके रखे है ना डंडी, इसमें से बहुत ज्यादा अच्छा एक फ्लेवर आता है, खुशबू आता है। तो ये डंडी फेंके ना, इसको जरूर दे, तो इसको भी डाल देंगे। और हरी मिर्च बस, और कुछ मैं नहीं डालूंगी। टमाटर गल गया, अब इसमें डालूंगी साग, पालक का पेस्ट। ढक के पका लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद डालेंगे पनीर। अब इसमें डालेंगे पनीर। बस इसे ढक के होने देंगे।
ये तो बन गया, अब इसमें डालेंगे बटर। बटर इसमें मेल्ट हो जाएगा और एक अच्छा सा स्वाद, जब बटर घुल जाएगा ना, एक अच्छा सा टेस्ट मुंह में आएगा, क्रीमी क्रीमी सा ये पनीर, पालक पनीर। तो इसे ढक देते हैं और गैस कर देते हैं बंद। बस फ्रेंड, इस पालक पनीर के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आरिया को देखो, यहाँ पे बम के स्पोक्स ही देख रहा है, देख रही है क्या, कौन सा फिल्म? चित्रचोर, बंगाली मूवी देख रही है, चित्रचोर। आज यहाँ पे मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज चलते हुए फिर मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। अब बताना जरूर मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, पूरे दिन का ब्लॉग, पूरे दिन में क्या क्या कर रही किया मैंने, वो आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, आज चलते हुए फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट।